অসমত আছে মাত্র এটা ডিটেনশন ক্যাম্প, বহু বছর ধরে অসমত আছে এই ডিটেনশন ক্যাম্পটো মোদী সরকার অহার পিছন নির্মাণ হওয়ারা হওয়া নাই কোনো ডিটেনশন ক্যাম্প, এ মন্তব্য করেছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে। লগতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর বাবেহে ডিটেনশন ক্যাম্প বলে মন্তব্য করেছে। এনআরসির বাদ পড়া এজনও লোকক রখা হওয়া নাই ডিটেনশন ক্যাম্পত, ডিটেনশন ক্যাম্পক লো অপপ্রচার চলারও অভিযোগ করেছে অমিত শাহে। फिर प्रधानमंत्री ने कहा था डिटेंशन सेंटर्स को लेकर, और आज के अखबार में डिटेंशन सेंटर के फोटो तक आ गए हैं। तो क्या ये डिटेंशन सेंटर हैं, बन रहे हैं, क्या लोगों को इसमें डाला जाएगा जो अपना सिटीजनशिप प्रूव नहीं कर सकता, इसको जरा क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, डिटेंशन सेंटर जो बने हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस देश में ऐसा नहीं है कि कोई भी दुनिया में से कोई भी आदमी घुसकर रह सकता है। इस देश का एक कानून है, अगर एक नागरिक पकड़ा जाता है, कोई भी देश का है, यूरोपियन देश का है, जिसको वहां जाने की परमिशन नहीं है, यहां रहने की परमिशन नहीं है, वीजा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो उसको पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। बाद में इसको वापस भेजने की प्रक्रिया होती है, डिपोर्ट की प्रक्रिया होती है। ये डिटेंशन सेंटर और एनआरसी का कोई लेन देन नहीं है। डिटेंशन सेंटर में रेफ्यूजीज को नहीं रखा जाएगा, इलीगल माइग्रेंट्स को रखा जाएगा, क्या ये कहने की? ये जो अभी डिटेंशन सेंटर चर्चा में आया है वो वही है। क्या है? इलीगल माइग्रेंट जो कहीं पर भी पकड़े, उसको रखे कहां? जेल में नहीं रख सकते आप। उसको एक डिटेंशन सेंटर में रखते हैं और बाद में वो देश के साथ बात करके उनको वापिस भेजने की व्यवस्था करते हैं। आसाम के एनआरसी में कुछ लोग आइडेंटिफाई हो गए, तो वो सारे लोगों को अभी सरकार ने 6 महीने का टाइम दिया है कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल के अंदर अपना पक्ष रखें। हमने ये भी कहा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो पैसे, वकील के पैसे का खर्चा भारत सरकार या तो आसाम सरकार उठाएगी। आज ही भारत